सिंटेक्स बुक अबाउट का जो न्यू बुक है क्लास नाइन्थ का, उसके एमसीक्यू सॉल्व करूँगा फर्स्ट चैप्टर का, तो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है, द फॉलोइंग फिगर शो पार्ट ऑफ द वर्नियर स्केल, व्हाट इज द रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल। तो इस रीडिंग से हमें मालूम करना है कि वर्नियर स्केल की रीडिंग कौन सी होती है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे नंबर आ रहा है 6, तो पहला नंबर तो 6 ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो नंबर काउंट करते हैं तो वह ये होती है मेन स्केल। मेन स्केल 0 से पीछे वाला नंबर काउंट करते हैं, ठीक है। तो 0 से पीछे वाला नंबर कितना है, 6 है। उसके बाद जो होता है कि जो वर्नियर स्केल पे दो स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल दूसरा मेन स्केल। इसके अगर डिटेल लेनी चाहते हो तो इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है इस डिवाइस पर, वर्नियर स्केल पर। तो दूसरी रीडिंग लेते हैं वर्नियर स्केल से, तो वो 0 से यहाँ काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 5 आ गई, इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है 2 है, 2 आइडेंटिकल स्टील बॉल ईच ऑफ अ मास इज 27 ग्राम आर द इमर्स इन अ मेजरिंग सिलेंडर हैविंग 20 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ वाटर, द रीडिंग ऑफ अ वाटर लेवल राइज टू 50 सेंटीमीटर क्यूबिक, वाट इज़ द डेंसिटी ऑफ अ स्टील बॉल। तो डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो डेंसिटी का जो फार्मूला है वो है रो इज इक्वल टू एम अपान वी, ठीक है। तो वी हम यहाँ से मालूम करेंगे, कह रहा है पहले जो वॉल्यूम था वो कितना था, तो पहले वॉल्यूम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पहले जो वॉल्यूम था वो था 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद राइज होकर वी टू बन गया है, वो है 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो चेंज कितना निकलेगा, यानी वी डेल्टा वी यानी चेंज वी कितना निकलेगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे डेंसिटी हमें स्टील बॉल की मालूम करनी है, मास पता है 27 ग्राम है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कौन सा रखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम। तो वो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस पर 3 का टेबल 9 टाइम, इस पर 10 टाइम, तो 9 अपॉन 10 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। 9 अपॉन 10 को इस तरह से लिख सकते हैं 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा है, आंसर आ रहा है उसका ए इज़ करेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद इन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास इज 100 ग्राम इज इमर्स इन अ वाटर इज शोन इन फॉलोइंग फिगर, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ अ मेड इज। तो हमें इन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मालूम करनी है, यानी ये जो पत्थर इसके अंदर पड़ा हुआ है इसकी डेंसिटी मालूम करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे वी वन हो जाएगा, तो वॉल्यूम पहले कितना है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद जैसे पत्थर डला है तो उसके बाद वी टू कितना हो गया है, 90, ठीक है। ये इस बात जहन में शेयर कर लेना डेटा से। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो डेंसिटी का फार्मूला है रो इज इक्वल टू मास अपान वी। तो वॉल्यूम हमारा है, पहला वॉल्यूम जो बना मिला हुआ है वी वन, वो कितना मिला हुआ है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद वी टू कितना मिला हुआ है, 90 राइज होकर इतना हो गया, ठीक है, फिगर से हमने मालूम किया। अच्छा, यहाँ से डेल्टा वी यानी चेंज इन वी कितना मिलेगा हमें, चेंज इन वी क्या कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 40 मीटर क्यूब। इसी फार्मूले के अंदर रखेंगे तो स्टील बॉल जो पत्थर का मास था वो 100 ग्राम था, डिवाइडेड बाय 40 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 0, 0 से कैंसिल, 4 का टेबल, इस पर कितना आ जाएगा, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर ये आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नहीं है, डी इज़ करेक्ट है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है 4 है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ अ माइक्रोमीटर इन द फॉलोइंग फिगर। तो फॉलोइंग फिगर में से हमें माइक्रोमीटर की रीडिंग लेनी है, रीडिंग लेने का तरीका क्या है, इस माइक्रोमीटर पे भी हमने एक वीडियो बना लिया है। तो यहाँ से रीडिंग लेंगे, सबसे पहले जो यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे मेन स्केल पे, तो यहाँ पे देखो ये 5 और ये आ गया 6, ठीक है। तो ये 6 आ गया, और 6 के बाद देखिए नीचे वाली लाइन पर ये 5 की पॉइंट है, तो होता है 6.5। ये हो गया मेन स्केल। फिर सर्कुलरेटरी स्केल पे यहाँ पे देखेंगे ये 15 के बाद 1 है, 6 1 के बाद है और 7, तो इसमें से 7 प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय इसकी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फाइनल जो हमारे पास जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 6.67 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट।
एमसीक्यू नंबर सिक्स सॉल्व करते हैं। चिप ऑफ अ वेपर इज 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.9 सेंटीमीटर वाइड, बट इट्स एरिया इनटू द सिग्निफिकेंट फिगर विल बी। तो हमें पहले एरिया मालूम करनी है, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर में हमें मालूम करनी है, ठीक है। तो एरिया मालूम करने के लिए हमें पता है फार्मूला कौन सा होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बर्थ। एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय बर्थ। लेंथ हमें कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 4.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय बर्थ कितनी मिली हुई है 9 पॉइंट, यानी वाइड जो है 5.9 सेंटीमीटर। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 6.55 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है बी इज करेक्ट। उसके बाद जो है वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन व्हिच यूनिट ऑफ अ बेस क्वांटिटी वर इंट्रोड्यूस कॉल्ड, कि वर्ल्ड वाइड के जो मेजरमेंट के जो यूनिट हमें बनाए हैं उनको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ अ यूनिट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद एम सी क्यू नंबर सेवन, ऑल एक्यूरेट नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउट डिजिट इन द एक्सप्रेशन आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, बी इज ऑप्शन करेक्ट। इफ जीरो लाइन ऑफ अ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद अ जीरो ऑफ अ मेन स्केल देन द एरर। तो इस एरर को क्या कहते हैं, जीरो एरर कहते हैं। जीरो एरर इज ऑफ अ एस्टिमेट इज, तो ये सिस्टमेटिक एरर होता है, इज करेक्ट। अच्छा उसके बाद एमसीक्यू नंबर 10, द मास लेंथ मास इलेक्ट्रिक करंट टाइम इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर एग्जांपल ऑफ बेसिक क्वांटिटीज। अच्छा यहाँ तक जो 10 एमसीक्यूज थे तो ये थे बुक वाले, बुक के सॉल्व किए। तो यहाँ पे जो मेरे पास एक बुक है उसमें 50 एमसीक्यूज है, तो इसको भी आगे सॉल्व करेंगे किसी दूसरे पार्ट की वीडियो के अंदर। ये जो 10 एमसीक्यूज थे वो बुक वाले थे। थैंक यू। चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। स्केल क्वांटिटी हैव डैश एंड सूटेबल यूनिट, तो स्केल क्वांटिटी के पास सूटेबल यूनिट होता है, उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटीज हैव अ डैश अलॉन्ग विथ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट एंड डायरेक्शन होती है, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर थर्ड, व्हिच वन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, टाइम मास या वेट, तो वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, एक्सेलरेशन फोर्स या टाइम, टाइम के वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। एमसीक्यू नंबर 5 है, द डिस्टेंस इज डैश क्वांटिटी, तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी इज करेक्ट। वाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का कौन सा यूनिट है, मीटर पर सेकंड है। द शॉर्टेस्ट पाथ, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये एमसीक्यू तो हो गए।